दोस्तों टारगेट स्टडी आईक्यू के 9 फरवरी 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बना है। आज का सबसे पहला प्रश्न बना है कि हाल ही में किस देश की सेना से दुनिया का सबसे पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित कर दिया है। तो यहाँ पर देखो दुनिया का सबसे पहला ये जो बुलेट प्रूफ हेलमेट है इसको विकसित कर दिया है भारत देश ने। देखो आप सभी लोगों ने बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम तो कई बार सुना होगा, लेकिन यहाँ पर हेलमेट जो था अभी तक सबसे बड़ी कमी हो रही थी कि अगर किसी व्यक्ति को हेलमेट पहना हुआ है, जैकेट पहना हुआ है, सब कुछ पहना है और बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली नहीं जाएगी, लेकिन उसके हेलमेट में अगर गोली लग जा रही थी तो वो ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो जा रही थी। तो यहाँ पर देखो भारत ने हाल ही में सबसे पहले पूरे विश्व में भारत पहला ऐसा देश बना है जिसने एक बुलेट प्रूफ हेलमेट को डेवलप कर लिया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम सभी लोगों को प्राउड फील होना चाहिए और इसी के साथ में भारत माता की जय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या फैक्ट बताया गया है। इसमें ऐसा बोला गया है कि ये जो हेलमेट है इसमें अगर आप 10 मीटर की दूरी से AK-47 बंदूक से गोली चलाते हैं तो भी वो इस हेलमेट को भेद नहीं पाएगी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया है कि ये जो हेलमेट है इसमें अगर आप 10 मीटर की डिस्टेंस से AK-47 बंदूक से गोली चलाते हैं तो ये इस हेलमेट को भेद नहीं सकता है। अच्छा, इसको डेवलप किसने किया? इसको भारतीय सेना के एक मेजर हैं जिनका नाम है मेजर अनूप मिश्रा, उनके द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो मेजर अनूप मिश्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपसे कोई पूछे। तो अगला प्रश्न देखो क्या बनता है कि भारतीय सेना द्वारा विकसित किया गया बुलेट प्रूफ हेलमेट को किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर अनूप मिश्रा। यहाँ पर सिंह नहीं होगा, यहाँ पर मिश्रा होगा। तो मेजर अनूप मिश्रा के द्वारा ही भारत का पहला ये बुलेट प्रूफ हेलमेट जो है इसका विकास किया गया है। यहाँ पर आप एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें कि आप छोटा सा करेक्शन तो करेंगे ही, यहाँ पर हो जाएगा मेजर अनूप मिश्रा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये फ़ोटो दिख रही है मेजर अनूप मिश्रा की, जिन्होंने ही इस बुलेट प्रूफ हेलमेट की खोज करी है, उसको विकसित किया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अगर आपने डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को फॉलो करते होंगे तो मैं आपको पहले भी बता चुका था कि भारत के अंदर पूरे तरीके से स्वदेशी मेथड से बनाई गई जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी जो कि यहाँ पर दिख रही है इसको भी मेजर अनूप मिश्रा के द्वारा ही डेवलप किया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भारत की पहली बुलेट प्रूफ जैकेट किसने बनाई है तो आंसर हो जाएगा मेजर अनूप कुमार मिश्रा। हेलमेट किसने बनाया है तो भी आंसर हो जाएगा मेजर अनूप कुमार मिश्रा अनूप। इसके बाद में देखो अगला प्रश्न क्या बनता है कि भारतीय सेना की किस परियोजना के तहत दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया गया है। तो ये जो हेलमेट बनाने की पूरी परियोजना थी इसको एक नाम दिया गया था और वो नाम यहाँ पर हो जाएगा अभय, यानी कि अभय नाम से एक अभियान चलाया गया था जिसके तहत ही ये बुलेट प्रूफ हेलमेट तैयार किया गया है। यहाँ पर आप इसका फोटो देख सकते हैं, जैसा कि हर क्वेश्चन में मैं आपको एक फ़ोटो तो दिखाता ही हूँ। ये अभय नाम की एक परियोजना है जिसके तहत ही इस बुलेट प्रूफ हेलमेट को डेवलप किया गया है। दोस्तों आप सभी लोगों को एक खुशखबरी बता देता हूँ कि पिछले साल यानी कि सन 2019 का पूरे साल का जो करंट अफेयर्स है यानी कि जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक का जो करंट अफेयर्स है इस पर 60% का डिस्काउंट सिर्फ आज रात के 12 बजे तक है। तो जल्दी से इसको आप परचेज कर सकते हैं, 60% का डिस्काउंट चल रहा है। पूरे साल का करंट अफेयर्स जिसकी कीमत 600 रुपये है वो मात्र आपको 250 रुपये में दिया जा रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हो 7238969297। इस नंबर पर कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर कैसे पेमेंट करना है, किस तरीके से आप इसको ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलाएगा, उस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो और 2 से 3 घंटे के अंदर में आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी भी महिला के द्वारा अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाकर पृथ्वी पर लौटी महिला का नाम क्या है। तो देखो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक एक महिला रही थी, जो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले से ही करवा चुका हूँ, हाल ही में वो पृथ्वी में वापस आ चुकी है। तो ये जो महिला है इसका नाम है क्रिस्टीना कोच। ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि क्रिस्टीना कोच नाम की एक महिला है जो कि नासा की वैज्ञानिक है। नासा की वैज्ञानिक क्रिस्टीना कोच जो कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का
रिकॉर्ड बना चुकी है, हाल ही में वो पृथ्वी पर वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इनका एक फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखेंगे, ये नासा की वैज्ञानिक है, इनका नाम है क्रिस्टीना कोच, और इन्होंने यहाँ पर देखेंगे कजाकिस्तान, इन्होंने पृथ्वी पर कजाकिस्तान में लैंड किया है। जैसे कि वहाँ से लैंड करने के बाद का एक फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्रिस्टीना कोच। अच्छा, इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है, तो मन में सवाल आता है कितने दिनों तक स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ पर देखो, क्रिस्टीना कोच ने कुल मिलाकर 328 दिनों तक स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं एक बार फिर से यहाँ पर कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है क्रिस्टीना कोच ने, जो कि नासा की साइंटिस्ट हैं, और वो उन्होंने 328 दिनों तक स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बना दिया है। अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में NPCI ने किस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप को UPI सेवा में विस्तार करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप, ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि हाल ही में NPCI ने व्हाट्सएप को UPI सेवा से जो पेमेंट होता है उसके लिए विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो व्हाट्सएप है उसके द्वारा एक सर्विस शुरू की गई है व्हाट्सएप पे नाम से। तो ये जो व्हाट्सएप पे नाम से एक सर्विस है जिसके द्वारा आप UPI के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इसके द्वारा पेमेंट कर सकते हो। तो इसमें व्हाट्सएप पे के को हाल ही में NPCI के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। साथ ही साथ में अगर आपसे कोई पूछे NPCI का फुल फॉर्म क्या होगा, तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये चीज़ लाइक और शेयर करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ये पता चल पाएगा मुझे कि आपको वीडियो वाकई पसंद आ रहा है कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में पहली बार गाँव के मानचित्रण ड्रोन के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखो, गांव का जो मानचित्र होता है, यानी कि कौन सा खेत कहाँ पर स्थित है उसको बनाना पड़ता है, तो कौन सा खेत किसका है, तो ये पूरे गांव का जो मानचित्रण है इसको विकसित करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल जो किया जा रहा है, ये किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन बी सही यहाँ पर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, गाँव गाँव जाकर ये जो ड्रोन है ये कहीं पर भी जाकर फोटो ले सकता है, किसी भी खेत की फोटो ले सकता है, ये बाउंड्रीज को देख सकता है। तो बिना खेत में जाए हुए ऑफिसर्स ये पता कर सकते हैं कौन सी लैंड का पार्ट कितना लंबा है, इस प्रकार से यहाँ पर मैप को बनाया जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो ड्रोन है मध्य प्रदेश के गांवों में मानचित्रण का काम करेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के समर्थन से किस पड़ोसी देश में अरुण 3 पन बिजली परियोजना बनाई जा रही है। तो भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, उसमें भारत के समर्थन से एक अरुण 3 नाम से पन बिजली परियोजना जो है इसको बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं लिखा है 900 मेगावाट। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि ये जो परियोजना है ये कितने मेगावाट को है, तो ये 900 मेगावाट की एक परियोजना है, ठीक है, जिसका नाम है अरुण 3, और इसको नेपाल देश में डेवलप किया जा रहा है। भारत इसमें नेपाल का पूरा सहयोग कर रहा है, तो भारत और नेपाल के ऑफिशियल्स का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको बता देता हूँ कि ये जो परियोजना है नेपाल के संखुआ सभा जिले के पास में अरुण नदी पर बनाई जा रही है। तो एक प्रश्न यहाँ पर ये भी बन सकता है कि बताइए हाल ही में चर्चा में रही अरुण दबी जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो अरुण दबी है नदी है, ये नेपाल देश में स्थित है, जहाँ पर 900 मेगावाट की एक परियोजना बनाई जा रही है। अब आपसे यहाँ पर परियोजना में कितने मेगावाट का यूज़ किया जा रहा है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 900 मेगावाट की एक परियोजना है जिसको नेपाल में डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। एक वीडियो आपने टिकटॉक पर और फेसबुक पर देखा होगा जो कि बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिसमें क्या था कि चाइना में एक ब्रिज था और उसमें ब्रिज का ये जो फ्लोर था ये कांच का बना हुआ था, ठीक है। तो जब भी लोग उस पर चलते थे, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है उस पर जब चलेगा, एक बार अच्छे से बनाता हूँ, हालांकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन आज मन कर रहा है कि कुछ बनाता हूँ,
तो यहाँ पर देखो एक व्यक्ति बना देता हूँ इस तरीके से, ये इसके पैर हो गए, ये इसके हाथ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो है ये इस ब्रिज पर, इसका चेंज कर देता हूँ कलर, ठीक है, ये ब्रिज है। तो ये ब्रिज जो होता था ये कांच का बना होता था। तो ये जो व्यक्ति है जब इस कांच के ब्रिज पर चल रहा था तो वो बहुत घबरा रहा था कि कहीं ये कांच टूट ना जाए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि चाइना में है। तो ये कांच का ब्रिज चाइना में बना हुआ था, लेकिन भारत का पहला इस तरीके का ब्रिज यानी कि कांच का ब्रिज जो है ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला ग्लास फ्लोर यानी कि कांच का फ्लोर ब्रिज कहाँ पर बनाया जाएगा, तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको डेवलप उत्तराखंड में कहाँ पर किया जाएगा, देखो जो लोग हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा पर गए होंगे उन्हें पता होगा कि ऋषिकेश में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए गंगा, नीचे गंगा नदी बहती है, और उसके एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए लक्ष्मण झूले का इस्तेमाल किया जाता था। लक्ष्मण झूले का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसका इस्तेमाल वहाँ पर किया जा रहा था। 94 साल से ये पुल वहाँ पर सभी की सेवा में काम कर रहा था, लेकिन अब इस पुल को रिटायर कर दिया गया है, बता दिया गया है कि अब ये पुल जो है टूटने की कगार पर है, इस वजह से इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब इसी पुल के बगल में एक कांच का पुल हाल ही में तैयार होने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लक्ष्मण झूला भी बनेगा चीन के अनोखे कांच के पुल के जैसा, यानी कि लक्ष्मण झूला को कांच के पुल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा चाइना के तरीके। तो अगर आप लोगों ने चाइना का वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं ग्लास ब्रिज चाइना, ठीक है, चाइना का वो वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो देखने से कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। अगला प्रश्न है, इसको उसी से फैक्ट जानो, उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी के ऊपर इसको बनाया जाएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किस राज्य ने मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की जमीन आवंटित कर दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपको पता होगा अयोध्या वाला केस जो हुआ था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन आया था वो हिंदुओं के पक्ष में गया था। उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप 5 एकड़ की ज़मीन मुस्लिम वक्फ बोर्ड को प्रदान करेंगे। तो ये जो 5 एकड़ की ज़मीन है ये उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तराखंड है ये, इसको उत्तर प्रदेश में दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इनकम टैक्स की पुरानी और नए तरीके से गणना करने के लिए एक इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ई कैलकुलेटर जारी कर दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। आपको पता होगा दोस्तों कि हाल ही में जो बजट पेश किया गया था उसमें इनकम टैक्स की नई स्लैब जारी कर दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और उसमें बोली गई है कि अगर किसी व्यक्ति को, वो बिल्कुल फ्री है, चाहे तो नए तरीके से टैक्स भर सकता है और वो चाहे तो पुराने वाले मेथड से भी टैक्स भर सकता है। अगर वो नए तरीके से टैक्स भरेगा तो उसको टैक्स में मिलने वाली छूट जो है वो नहीं दी जाएगी, जबकि पुराने वाले टैक्स में क्या होता था कि उसमें आपको जो 80C ये जो प्रावधान होता है उसके तहत टैक्स में छूट दी जा रही थी। तो अब जब कोई भी व्यक्ति टैक्स भरने जाएगा तो वो सबसे पहले ये चेक करेगा कि मुझे पुराने वाले टैक्स से भरने से फ़ायदा हो रहा है या फिर नए तरीके से भरने से फ़ायदा हो रहा है। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर है जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है। इससे बड़े आराम से ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि आपको नए तरीके से टैक्स भरने में फ़ायदा होगा या फिर पुराने तरीके से, तब जाकर आप अपना टैक्स भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ़ोटो भी लगा है कि आईटी डिपार्टमेंट ने लॉन्च कर दिया है ऑनलाइन ई कैलकुलेटर। इस ई कैलकुलेटर के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि टैक्स कैसे भरा जाए। अगला प्रश्न बनेगा आज के सभी करंट अफेयर्स का रिवीजन। दोस्तों पूरी ताकत, जितनी मेहनत मेरे अंदर हो सकती है उससे मैंने इतनी शिद्दत से इस वीडियो को बनाया है। आपका एक सेकंड भी नहीं लगेगा इस वीडियो को लाइक करने में, वीडियो जब खत्म हो जाए तो इसको शेयर भी कर देना। आज का सबसे पहला क्वेश्चन जिसका रिवीजन हमें करना है कि हाल ही में किस देश की सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित कर लिया है। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना द्वारा विकसित किया गया बुलेट प्रूफ हेलमेट को किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसको मेजर अनूप मिश्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, के द्वारा तैयार किया गया है।
भारतीय सेना की किस परियोजना के तहत दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया गया है? तो अभय नाम की एक परियोजना है जिसके द्वारा इसको बनाया गया है। किसी भी महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाकर पृथ्वी पर लौटी महिला का क्या नाम है? तो क्रिस्टीना कोच इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न है कि हाल ही में एनपीसीआई ने किस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप को यूपीआई सेवा विस्तार करने की मंजूरी दे दी है? तो व्हाट्सएप इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कि किस राज्य में पहली बार गांवों के मानचित्रण ड्रोन के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है? तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के समर्थन से किस पड़ोसी देश में अरुण 3 नाम की एक योजना बनाई जाएगी? तो नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कहां पर भारत का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की जमीन उत्तर प्रदेश में प्रदान करी जाएगी। हाल ही में किसने इनकम टैक्स की पुराने और नए तरीके से गणना करने के लिए एक कैलकुलेटर जारी कर दिया है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज रात के 12 बजे से पहले इस डिस्काउंट का ऑफर ले लेना, अदरवाइज आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को जिंदल सौ स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है?